हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनकी एग्ज़ाम्स आने वाली हैं कुछ ही दिन में, तो सर जल्दी से कंप्लीट किए। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस यूनिट को जल्द ही कंप्लीट करने की, और हो सके तो आगे के सब्जेक्ट भी हम जल्द ही कवर करने की कोशिश करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए, और जो सब्जेक्ट हमारे रह गए हैं बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के लिए, उनके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे आप सभी के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, इसलिए एक ही सब्जेक्ट कवर करवा पाया हूँ। लेकिन आगे जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनको सभी सब्जेक्ट्स कवर मिलेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, इतना लेंदी सिलेबस है ही नहीं अपना। एक बार आप अच्छे से इसको पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पेपर में। तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर हमारा। इसमें हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस। तो इन दोनों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम आते ही आपको मेल फीमेल में डिफरेंट पता हो ही गया कि ये होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, होगा हमारे मेल के अंदर। और ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस मतलब ओवम का जनरेट होगा ओवम, तो वो होगा फीमेल के अंदर। तो पहले बात कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। सबसे पहले इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। इट इज द प्रोसेस बाय विच द मेल गेमेट्स, मेल गेमेट्स क्या है, स्पर्म है, स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं उसको। तो इट इज ए प्रोसेस बाय विच द मेल गेमेट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ स्पर्म आर फॉर्म द परमिटेटिव स्पर्मेटोजेनिक सेल इन द टेस्टिस। कहाँ से फॉर्म होगा? परमिटेटिव सेल है टेस्टिस, टेस्टिस से बेसिकली जो हमारा स्पर्म है स्पर्मेटोजोआ है वो फॉर्म होगा। तो ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी। बात कर लेते हैं स्टेजेस की। स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस फोर स्टेज हैं बेसिकली इसकी। तो फर्स्ट है स्टेज ऑफ पॉलीफ्रेशन। पॉलीफ्रेशन के मतलब एक स्टार्टिंग स्टेज होगी स्पर्म को बनने की, एक सेल होगी जिससे हमारा जो स्पर्म है वो स्टार्ट होगा बनना, तो उसको बोलेंगे स्टेज ऑफ पॉलीफ्रेशन। सेकेंड है स्टेज ऑफ ग्रोथ। उसके बाद क्या होगी? ग्रोथ होगी, उसमें सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। तो क्या होगा? यह सेल डिवाइड होगी, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड स्टेज ऑफ मेच्योरेशन। देन ये सेल हमारी मेच्योर होगी, मेच्योर जो भी आगे इसको प्रोसेस करनी होती है उसके लिए कंप्लीटली ये मेच्योर होगा। देन स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, देन ये बनाएगी हमारा कंप्लीट जो हमें रिक्वायर्ड है स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। तो ये फ्लो चार्ट भी आपको इसके साथ बनाना जरूरी है, क्योंकि इससे ही जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा, आपकी थ्योरी की तरफ जाएगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं। तो आपको इतना याद रखना है डेफिनेशन, स्टेजेस और ये फ्लो चार्ट, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो ये किस सेल है, इसमें माइटोसिस हुआ, डिवाइड होगी सेल, मियोसिस फर्स्ट होगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो गई सेल, देन मियोसिस सेकेंड होगा तो ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, देन स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और स्पर्म हमारे फॉर्म होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इतना हार्ड टॉपिक नहीं, इजीली आप रिमेम्बर करके माइंड से भी लिख सकते हैं। सेम टॉपिक है ऊजेनेसिस, तो ऊजेनेसिस बस डिफरेंट इतना है मेल और फीमेल का। तो ऊजेनेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट्स। फीमेल गेमेट्स क्या है? ओवम या ऊसाइट। दिस प्रोसेस बिगन इनसाइड द फीटस बिफोर बर्थ, भी बर्थ से पहले ही ये प्रोसेस होती है। द स्टेप इन ऊजनेसिस अप टू द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी ऊसाइट आकर बिफोर बर्थ। जो भी प्रोसेस होगी इसमें क्या होगा, एक प्राइमरी ऊसाइट होता है उससे कंप्लीट प्रोसेस आगे होती है, न हमारा एक ओवम फॉर्म होता है। प्राइमरी ऊसाइट डू नॉट डिवाइड फर्दर, ये क्या होता है, ये डिवाइड नहीं होता है फर्दर, बिकम सेकेंडरी ऊसाइट आर डीजनरेट, ये डीजनरेट करता है सेकेंडरी ऊसाइट्स को। ऊजेनेसिस अकर इन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओवरीज, जो ओवरीज की आउटर मोस्ट लेयर होती है
दो ओवरीज होते हैं फीमेल के अंदर, तो उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसमें ही ओजेनेसिस होता है, वहीं से ओवम फॉर्म होता है। ओजेनेसिस स्टार्ट विद द जर्म सेल। कौन सी जर्म सेल है? उगोनिया। इसको क्या बोलेंगे हम? उगोनिया। जिससे हमारा जो ओवम का प्रोसेस है स्टार्ट होता है ओजेनेसिस का। एंड देन क्या होता है इसके अंदर? माइटोसिस होता है टू इंक्रीज नंबर। इसमें माइटोसिस होगा, थ्री सेल्स हमारी बनेगी। देन इसमें मियोसिस होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस हमने देखा था उसमें क्या सेल टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। फीमेल में मायोसिस फर्स्ट होगा, देन वन पार्ट में डिवाइड होगी, मियोसिस फर्स्ट होगा, कंप्लीट हो गया। तो इसमें एक पोलर बॉडी होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी रिमूव हो गई, देन सेकेंड पोलर बॉडी रिमूव होगी, तो बच गया हमारा ओनली वन पार्ट। तो वन पार्ट रहेगा, वन पार्ट ये हो गया, वन पार्ट ये हो गया, ये दोनों एक दूसरे से मिक्स होंगे तभी बेबी का बर्थ होता है। तो ये सिंगल सिंगल सेल होती हैं। तो आई होप दोनों जो टॉपिक्स हैं आपके आज कवर हो चुके हैं। कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं, उनको भी जल्द एक दो दिन में हम कंप्लीट करेंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बस आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छा आपके लिए करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।